टी20 सीरीज में सिलेक्शन हुआ है। 30 गेंदबाज आवेश खान का टी20 सीरीज में सिलेक्शन हुआ है। इंदौर के रहने वाले हैं आवेश खान। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 23 नवंबर से शुरू होगा टी20 मुकाबला। बता दें 16 अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच खेल चुके हैं आवेश। टी20 का पहला मैच विशाखापट्टनम में होगा। 23 नवंबर से 3 दिसंबर तक सीरीज होगी। तो आवेश खान का टी20 सीरीज में चयन हो चुका है और सीरीज की शुरुआत भी होने वाली है। 16 अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच खेल चुके हैं आवेश। ये भी बता दें आपको 23 नवंबर से 3 दिसंबर तक सीरीज होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तेज गेंदबाज आवेश खान का टी20 सीरीज में सिलेक्शन हो चुका है। इंदौर के रहने वाले हैं आवेश खान। ये भी बता दें आपको कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 23 नवंबर से टी20 मुकाबला शुरू होगा। 16 अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच अब तक आवेश खेल चुके हैं। टी20 का पहला मैच विशाखापट्टनम में होने जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, आवेश खान का टी20 सीरीज में सिलेक्शन हो चुका है। जी, आवेश खान इंदौर के रहने वाले हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाला जो टी20 सीरीज है उसके लिए उनका सिलेक्शन हो चुका है और पहला मुकाबला वो खेलने के लिए इंदौर से रवाना भी हो चुके हैं। हालांकि आवेश खान और वेंकटेश अय्यर जो इंटरनेशनल प्लेयर है पिछले कई दिनों से इंदौर के होलकर स्टेडियम में तैयारी कर रहे थे क्योंकि विजय हजारे ट्रॉफी खेलने के लिए मध्य प्रदेश की टीम से उन्हें रवाना होना था। हालांकि प्रैक्टिस के दौरान पर ही उन्हें सूचना मिली आवेश खान यहाँ से सीधा रवाना हो गए टीम भारत के साथ जुड़ने के लिए। और कुछ दिन पहले ही न्यूज 18 के साथ उन्होंने बातचीत भी की थी। जिस दिन भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला था उस दिन वो न्यूज 18 के साथ जुड़े भी थे। न्यूज 18 में उन्होंने एक्सपर्ट के तौर अपनी बात भी रखी थी कि भारत ऑस्ट्रेलिया का मैच कैसा होगा। उसके बाद ही उन्हें फोन आता है, उन्हें सूचना मिलती है, उसके बाद वो सीधा यहाँ से अपने मैच खेलने के लिए भारतीय टीम का हिस्सा बनने के लिए यहाँ से रवाना हो गए। हालांकि विजय ट्रॉफी में जो विजय हजारे ट्रॉफी होना है उसमें जो इंटरनेशनल प्लेयर है वेंकटेश अय्यर और तमाम जो मध्य प्रदेश के बड़े खिलाड़ी जो आईपीएल के लिए खेल रहे हैं वो सभी खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन इंदौर के क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी, आवेश खान इंदौर के रहने वाले, यहीं से उन्होंने तैयारी की और यहीं से उन्होंने इंटरनेशनल जो करियर है उसकी शुरुआत तक की है। तो एक बार फिर से एक बड़ा मुकाबले के लिए आवेश खान को मौका मिला है और इंदौर में आवेश खान के सिलेक्शन को लेकर काफी उत्साह भी नजर आ रहा है। बाकी बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा मौका इन्हें दिया गया है। तेज गेंदबाज भी है, इंदौर में फैन फॉलोइंग भी उनकी बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं फैंस में बहुत ज्यादा खुशी होगी क्योंकि ये बड़ा जो मौका उन्हें मिला है तो सब अब नजरें उसी पर लगाए रखेंगे। बेशक आवेश खान को लेकर जो इंदौर के लोग हैं उनकी नजरें रहती हैं और आवेश खान का जब भी कोई मुकाबला होता है पूरा इंदौर और खासतौर पर देखा जाए तो उनके जो घर है आवेश खान का श्रीनगर कांकड़ में उनका घर है और श्रीनगर कांकड़ की गलियों में ही उन्होंने अपने मैच की शुरुआत की थी। जो उनका परिवार है वहीं पे रहता है और बड़ी आतिशबाजी देखने को मिलती है जब वो मुकाबला खेलने पहुंचते हैं तो एक जश्न का माहौल होता है उनके घर के आसपास में। लोग उनके घर पहुंचते हैं, मिठाइयां खिलाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि आवेश खान इंदौर के ही रहने वाले हैं, इंदौर से ही क्रिकेट खेलना शुरू किया और आज एक बड़े नाम तक पहुंच चुके हैं। तो तेज गेंदबाज है आवेश खान, बड़ी उम्मीदें रहती हैं, देश को उम्मीदें रहती है और इंदौर में उत्साह नजर इसलिए आता है क्योंकि वो इंदौर के रहने वाले हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए मिथिलेश। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर की बात करते हैं। जवानों ने बरामद किया है आईईडी। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी लगाया गया था। सर्चिंग के दौरान बता दें आपको सीआरपीएफ ने बरामद किया है आईईडी। सुरक्षा बलों ने आईईडी को नष्ट कर दिया है। लोहा गांव की यह घटना आपको बता रहे हैं। दंतेवाड़ा की खबर की हम बात कर रहे हैं जहां पर जवानों ने आईईडी बरामद किया है, डिफ्यूज भी इसे कर दिया है। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी लगाया गया था और सर्चिंग पर जवान निकले हुए थे। सर्चिंग के दौरान सीआरपीएफ ने आईईडी बरामद किया है। सुरक्षा बलों ने आईईडी को नष्ट कर दिया है। लोहा गांव की यह पूरी घटना आपको बता रहे हैं। लोहा गांव की यह घटना है जहां पर जवानों ने आईईडी बरामद किया है और उसे नष्ट भी कर दिया गया है। दंतेवाड़ा की हम बात कर रहे हैं जहां पर जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलों ने आईईडी लगाया हुआ था और सर्चिंग पर जवान निकले हुए थे। उसी दौरान आईईडी बरामद किया गया जिसे ब्लास्ट भी कर दिया गया मौके पर। सर्चिंग के दौरान सीआरपीएफ ने बरामद किया आईईडी जिसे अब नष्ट कर दिया गया है। तो नक्सलियों की कायराना करतूत लगातार हम देखते हैं और कामयाबी भी कहीं ना कहीं जवानों को हासिल होती है।
लगातार हम देखते आते हैं कि किस तरह से आईडी लगाया रहता है और फिर सुरक्षा बल जब निकलते हैं, सर्चिंग पर निकलते हैं, कई जगह पर ये पाए जाते हैं और इसे फिर मौके पर नष्ट किया जाता है। तो जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए ये आईईडी लगाया गया था, जिसे बरामद कर लिया गया और नष्ट भी कर दिया गया। जशपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। दो बाइक की टक्कर हुई है, हादसे में तीन लोग घायल होना बताए जा रहे हैं, घायलों का इलाज जारी है। हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया है, सिटी कोतवाली का ये मामला आपको बता रहे हैं। दो बाइक की भीषण टक्कर हुई है, दो बाइक की भीषण टक्कर होना बताई जा रही है। तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से ये भीषण टक्कर हुई आप देख सकते हैं। जशपुर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर दो बाइक की आपस में झड़प हुई। ये तस्वीरें आप देखिए, बड़ी रफ्तार से एक तरफ से बाइक आ रही थी और ये टक्कर हुई। हादसे का सीसीटीवी भी अब सामने आया है, सिटी कोतवाली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जशपुर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर दो बाइक की भीषण टक्कर की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। गरियाबंद से बड़ी खबर की बात करते हैं। शहर में तेंदुआ घुसने से दहशत में लोग आ चुके हैं। शहर से लगे रावण भाटा में तेंदुआ दिखा, घर के दीवार पर बैठा नजर आया तेंदुआ। सीसीटीवी में तेंदुआ कैद भी हुआ है, वन विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो घर की दीवार पर बैठा नजर आया है तेंदुआ, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। गरियाबंद की हम बात कर रहे हैं, जहां पर शहर में तेंदुआ घुसने से दहशत का माहौल है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। शहर से लगे रावण भाटा में तेंदुआ देखा गया और जैसे ही देखा गया लोगों में डर पैदा हुआ और वन विभाग को भी इसकी सूचना दी गई। घर की दीवार पर तेंदुआ बैठा हुआ नजर आया और ये पूरी जो तस्वीर है सीसीटीवी कैमरा में भी कैद हुई, वन विभाग ने अब अलर्ट जारी कर दिया है। घर की दीवार पर तेंदुआ बैठा हुआ नजर आया है। गरियाबंद की हम बात कर रहे हैं और ये पूरी जो तस्वीरें हैं सीसीटीवी कैमरा में भी कैद हुई हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिए तस्वीर आपके सामने गरियाबंद की, जहां पर शहर में तेंदुआ घुसने से लोगों में दहशत है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तेंदुए की तस्वीर। शहर से लगे रावण भाटा इलाके में तेंदुआ देखा गया और तब से ही लोग डर के साए में जी रहे हैं। घर की दीवार पर बैठा हुआ नजर आ सकता है आपको तेंदुआ, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर जो है सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तेंदुए के आने से डर का माहौल है। जो आसपास लोग रहते हैं, ग्रामीण रहते हैं, वो कहीं ना कहीं डर के साए में जी रहे हैं। फिलहाल वन विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। शहर में तेंदुआ आने से लोगों में डर है, दहशत है, डरे हुए हैं लोग कि कहीं उन्हें नुकसान ना पहुंचा दे। और वन विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है, लोगों को सतर्क रहने की भी अपील की गई है। ये घर की दीवार पर तेंदुआ बैठा हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीर गरियाबंद की है, शहरी इलाके की है, जहां पर ये तेंदुआ देखा गया और तेंदुआ देखने के बाद जो है आसपास के लोग हैं, ग्रामीण हैं, वो अब डर के साए में जी रहे हैं और बाहर तक नहीं निकल पा रहे। डर उनमें है कि कहीं उन्हें नुकसान ना पहुंचा दे, कहीं बच्चों को नुकसान ना पहुंचा दे। फिलहाल वन विभाग पूरी तरह से अलर्ट है और अलर्ट भी जारी वन विभाग द्वारा किया गया है। गरियाबंद की हम बात कर रहे हैं। मुरैना से बड़ी खबर की बात करेंगे, जहां पर जमकर लाठी डंडे चले हैं। पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ और देखते देखते विवाद बढ़ने लगा, दोनों तरफ से लाठी डंडे चलने लगे। आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं, उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जौरी गांव का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल दोनों तरफ से केस दर्ज कर लिया गया है, आधा दर्जन लोग इस पूरे ही घटना में घायल बताए जा रहे हैं। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जौरी गांव का यह मामला है, जहां पर दो पक्षों में विवाद हुआ और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट की नौबत आ गई और एक दूसरों को लाठी डंडे से पीटते हुए मारते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। मुरैना की ये तस्वीर है, जहां पर किसी बात को लेकर विवाद हुआ और विवाद बढ़ता चला गया। बड़ी संख्या में भीड़ भी आप देख सकते हैं, लोग भी वहां पर मौजूद हैं और लाठी डंडे से ये दो पक्ष जो आपस में हैं, भिड़े हैं, एक दूसरे को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल दोनों पक्षों की तरफ से मामला दर्ज करा लिया गया है,
सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जौरी गांव का ये मामला है जहां पर दो पक्षों में विवाद हुआ। बिलासपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। हिट एंड रन केस में बड़ा एक्शन लिया गया है। एनएसयूआई के प्रदेश सचिव अमीर श्रीवास्तव निलंबित किए गए हैं। संगठन ने मामले को गंभीरता से लिया है। आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की शिकायत मिली है। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे ने जारी किया है निलंबन का आदेश। बता दें 4 सदस्यीय टीम हिट एंड रन के मामले की जांच करेगी। रिपोर्ट आने तक पद से अमीर को हटाने का तत्काल आदेश जारी हो चुका है। अमीर श्रीवास्तव पर कार से कुचलने का सिटी कोतवाली थाना में मामला दर्ज है। आरोपी अमीर श्रीवास्तव और अन्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं। तो फिलहाल इसमें टीम बना दी गई है, 4 सदस्यीय टीम है, मामले की जांच पड़ताल करेगी। रिपोर्ट आने तक पद से अमीन को निलंबित किया गया है। ये पूरा मामला हिट एंड रन का है, कार से कुचलने का केस दर्ज हुआ है। सूरजपुर के बिहारपुर वन परिक्षेत्र में हाथियों का आतंक जारी है। दरअसल मोहर सोप इलाके में 11 हाथियों का दल मौजूद है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। हाथियों ने कई एकड़ में लगी फसल को बर्बाद भी कर दिया है। साथ ही हाथियों का दल लोगों के घरों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। सूरजपुर की तस्वीरें जहां पर हाथियों का दल मौजूद है और लगातार लोगों को भी नुकसान पहुंचा रहा है, खेतों को भी नुकसान पहुंचा रहा है ये पूरा दल, और लोग दहशत में कहीं ना कहीं जी रहे हैं। मोहरसोप इलाके में हाथियों का ये दल मौजूद है। हाथियों ने फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है, साथ ही साथ वहां पर जो लोग रहते हैं उन्हें भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहां के जो लोग हैं अब दहशत में जी रहे हैं। वन अमला नुकसान के आंकलन में फिलहाल जुटा हुआ है। पेंड्रा में पिछले 2 दिनों से अपने दल से बिछड़ा हाथी मरवाही के जंगल में भटक रहा है। रास्ता भटकने के साथ ही हाथी लगातार फसलों के साथ साथ घरों को नुकसान पहुंचा रहा है। हाथी के रास्ता भटकने से वन विभाग ने पूरे इलाके में अलर्ट भी जारी कर दिया है। कवर्धा जिले के वनांचल क्षेत्र में हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीण परेशान हैं। खासकर मध्य प्रदेश की सीमा से लगे क्षेत्र में 20 दिनों से हाथियों की धमक सुनाई दे रही है। आधा दर्जन से ज्यादा घरों को हाथियों ने नुकसान पहुंचाया। अलग अलग 22 की संख्या में हाथी इस क्षेत्र में बर्बाद में हमारे घर में घुस गए, जो घर के साथ ही अनाज और फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो वहीं ग्रामीणों में डर का माहौल है। रात हो या दिन किसी भी समय चैन से सो नहीं पाते। मन करे है ना। दूसरी तरफ वन अमले की हाथियों को रिहायशी क्षेत्र से दूर भगाने की अभी तक की कोशिशें नाकाम रही हैं। बाद में हमारे घर में घुस गए। हाँ। रविवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विश्व कप 2023 का फाइनल मैच हुआ था और इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराकर 6ठी बार विश्व कप अपने नाम किया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए फाइनल मैच को देखने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे। भारतीय टीम की हार के बाद पीएम मोदी ड्रेसिंग रूम में गए और खिलाड़ियों से मुलाकात की। हार के बाद टीम के सभी खिलाड़ी भावुक थे, जिन्हें पीएम मोदी ने ढाढ़स बंधाया और मोहम्मद शमी को गले लगाया। पीएम मोदी और प्लेयर्स की इस मुलाकात का वीडियो भी सामने आया है जो कि काफी वायरल हुआ है। इस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड किया गया। कुछ ही घंटों में ये वीडियो यूट्यूब के टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट में आ गया। इस वीडियो का कैप्शन विश्व कप फाइनल के बाद पीएम मोदी ने मैन इन ब्लू से मुलाकात की और भारतीय क्रिकेट टीम को संवर्धना दी। ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री मिले, ये तस्वीरें आपके सामने। आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। कराइए भाई, देश आप लोगों को देख रहा है। मैंने सोचा मिल लूंगा सबको। होता है। कह रहा हूँ कैसे हैं?
थे। आप लोग मेहनत बहुत की है, लेकिन कहा बाबू खेलो ना पड़ दो। हमें और आइए अब देखेंगे खबर 2020। ग्वालियर में मंत्री सुरेश राठखेड़ा की दबंगई दलित युवक के साथ मारपीट का आरोप, चुनावी रंजिश में मारपीट का आरोप। एमपी में अब दोपहिया वाहन पर पीछे बैठे व्यक्ति के लिए भी हेलमेट मस्ट, कार में सीट बेल्ट नहीं लगाने वालों पर भी सख्ती, आज से 50 दिनों तक चेकिंग अभियान। मेयर में ग्रामीणों ने बिजली कर्मचारियों को बनाया बंधक, बिजली सुधारने गए थे लाइनमैन, ट्रांसफार्मर खराब होने से आक्रोश में थे ग्रामीण। जशपुर में दो बाइक की आपस में टक्कर, तीन लोग घायल, घायलों का इलाज जारी, हादसे का सीसीटीवी आया सामने। हेलमेट पर हाईकोर्ट सख्त, पीछे बैठने वालों को लगाना होगा हेलमेट, हाईकोर्ट ने सरकार को दिए सख्त कार्रवाई के आदेश, 15 जनवरी तक मांगा जवाब। जशपुर में 19 साल के युवक ने की आत्महत्या, पेड़ पर फांसी लगाकर दी जान, युवक पहले भी कर चुका है सुसाइड का प्रयास। जशपुर में 3 साल की मासूम बच्ची से रेप, पड़ोस में रहने वाले 35 साल के युवक पर आरोप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। दंतेवाड़ा में नक्सलियों के मंसूबों पर फिरा पानी, जवानों ने बरामद किया आईडी, जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया गया था, सुरक्षा बलों ने आईईडी को किया नष्ट। दुर्ग में असामाजिक तत्वों ने कार में लगाई आग, कार मालिक ने थाने में दर्ज कराई शिकायत, धनतेरस के मौके पर शख्स ने खरीदी थी कार। मुरैना में जमकर चले लाठी डंडे, पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में विवाद, आधा दर्जन लोग घायल, इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया भर्ती। गरियाबंद में 685 बोरा अवैध धान और 3 पिकअप जब्त, ओडिशा से धान लाकर खपाने की थी तैयारी, देवभोग एसडीएम अर्पिता पाठक ने की कार्रवाई। पिंडरा में कोयले से भरा ट्रेलर सड़क किनारे बने घर में जा घुसा, मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त, चालक मौके से फरार, घर में बंधे 4 मवेशी हादसे में हुए घायल। सूरजपुर में 11 हाथियों के दल ने मचाया उत्पात, फसलों को पहुंचा रहे नुकसान, वन अमला नुकसान के आंकलन में जुटा। ट्रेन में विस्फोटक सामानों का परिवहन करते पेंट्री कार का मैनेजर गिरफ्तार, आरोपी के कब्जे से 4 नग गैस सिलेंडर और चूल्हा, सुरक्षा बल ने किया जब्त, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। भिलाई स्टील प्लांट की सुरक्षा में सेंध, स्टोर से 32 लाख के मैग्नेटिक कॉइल गायब, महाप्रबंधक की रिपोर्ट पर मामला दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। अंबिकापुर में पति ने पत्नी पर कुल्हाड़ी से किया वार, घायल महिला अस्पताल में भर्ती, हमले के बाद पति ने खुद को लगाई फांसी। अंबिकापुर में नेशनल हाईवे 130 पर बस और कार में भिड़त, हादसे में 1 की मौत, 3 घायल, बिहार से रायपुर जा रही थी कार। पेंड्रा में दल से बिछड़ा हाथी, रास्ता भटकने से फसलों को नुकसान पहुंचा रहा हाथी, वन विभाग ने जारी किया अलर्ट। पेंड्रा में वोटिंग के बाद परीक्षा का शेड्यूल जारी, डीईओ ने जारी किया कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक का टाइम टेबल, शिक्षक बोले चुनाव तैयारी के चलते नहीं करवा पाए बच्चों को सिलेबस रिवीजन। रायपुर में मतगणना को लेकर पुलिस अलर्ट, स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा बल तैनात, सीट बहार में होगी 7 विधानसभा की काउंटिंग, 14 राउंड तक चलेगा मतगणना। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।